बेटा आज 8 है। Recording in progress. क्या बड़बड़ मेरे फोन में चल ही नहीं रहा कुछ भी। क्या क्या कह रही हो? क्या लिखो? चल ही नहीं रहा भाई, कुत्ता जा रहा है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ऑल एक्शन। सेंस ऑफ स्मेल। Sense of smell. Inhumane. Relay on. Relies on. Chemo. Receptor. Chemo receptor. Located. In the upper part of the nasal cavity, upper part of the nasal cavity, ठीक है। अच्छा यहाँ हेडिंग आप लोग नेजल कैविटी की लगा, नेजल कैविटी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की लगा, ऑल्फैक्टरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। Note the human olfactory epithelium is relatively small compare to that of certain animal. Like dogs, fox, cats. Cats हमारी बुक में नहीं है, fox, which causes
मेनली एक्टिव सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल यानी अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए, द ह्यूमन नेजल एपिथेलियम इज स्मॉलर एज कंपेयर डॉग्स, ठीक है, एज कंपेयर डॉग्स यानी डॉग्स कैट फॉक्स जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं, दे हैव अ हायर सेंसेशन ऑफ स्मेल एज कंपेयर ह्यूमन, क्योंकि वहां पर उनकी जो नेजल एपिथेलियम की मेम्ब्रेन है वो हाईली, हाँ अगर हम बात करें एरिया वाइज वो काफी ज्यादा होती है, वॉल्यूम वाइज क्या है काफी ज्यादा है, लेकिन हम अगर हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन की इतनी ज्यादा नहीं होती। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद, अब यहाँ पर एक चीज डिस्कस करनी है वो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन का, पहला पॉइंट आप लिखे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन हैव डेंड्राइट्स, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैव डेंड्राइट्स, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन हैव डेंड्राइट्स दैट टर्मिनेट इन टॉर्सल ऑफ सीलिया, that terminate in tarsal of cilia, okay, tarsal of cilia यानी आपके पास जो olfactory neuron के dendrites हैं olfactory neuron dendrites जो है they are end on the tarsal of the cilia, terminate नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा दीज सीलिया प्रोजेक्टेड इनटू द नेजल म्यूकोसा, दैट सीलिया प्रोजेक्ट नेजल म्यूकोसा, द एक्सॉन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट होगा द एक्सॉन ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन प्रोजेक्ट directly into the cerebral cortex, the region responsible for processing sense of sensory information, यानी अगर मैं इसकी डायग्राम एक हफ्ती सी डायग्राम बनाऊं
हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास नोज है, ठीक है। अब इसकी ये वाली जो साइड है ये आपके पास, यानी अब वॉल ऑफ दी नोज जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, नॉस्टिल्स होंगे यहाँ आपके पास, ये नॉस्टिल्स आ गए आपके पास। अब इसकी ये वाली जो साइड है ये आपके पास क्या है, हम कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास ये है नेजल एपिथीलियम, ये आपके पास क्या है नेजल एपिथीलियम, ठीक है। अब यहां पर इस नेजल एपिथीलियम के ऊपर आपके पास क्या है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड नेजल म्यूकोसा, ठीक है। इसके अलावा यहां आपके पास क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट होंगे इंडी। अब ये जो हेयर का जो निकल रहा है आपके पास, यहां पर जो रूट साइड है जिसे हम कहते हैं टार्सल ऑफ सीलिया, ये आपके पास क्या है टार्सल ऑफ सीलिया, ठीक है। तो हमने बोला द सीलिया प्रोजेक्ट इनटू द नेजल म्यूकोसा। अब इसके इस तरफ आपके पास क्या मौजूद है, इसके इस तरफ आपके पास क्या मौजूद है, न्यूरॉन्स मौजूद है, यानी एग्जांपल के तौर पर ये न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन होगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन होगा, हम कहते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या करेगा यहां से रिसेप्ट, यहां से आपके पास क्या करेगा टार्सल ऑफ सीलिया, यहां से आपके पास जो भी आएंगे वो आपके पास क्या करेंगे बाइंड करेंगे एवरी साइड ऑफ द रिसेप्टर, और फिर वो मैसेज कहां जाएगा, वो मैसेज जाएगा कहां पर टुवर्ड्स द न्यूरॉन, और न्यूरॉन उसको कहां भेजेगा टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि आपके पास जो एक्सॉन है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कहां पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन का कौन सा भाग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है किसके लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए नहीं, हो सकता है प्रोसेस होने के बाद वो जाए कहां पर, वो जाए आपके पास हम कह सकते हैं सेरिबिलम के पास, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन करवानी है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो, स्मेल आ रही है, ठीक है, स्मेल आ रही है, उसके बाद एकदम से छींक आ गई, तो अब वो काम किसका है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, स्नीजिंग का काम किसका होता है, किसी को याद है, मेड्यूला का। तो ये मैसेज फिर आपके पास यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद कहाँ जाता है, मेड्यूला की तरफ। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बाद हम जब आई रिसेप्टर पढ़े थे, तो आई रिसेप्टर सिर्फ रिसीविंग साइड है, रिस्पॉन्सिंग साइड नहीं है, रिस्पॉन्सिंग साइड क्या होती है, आपके मसल, आपका ब्रेन, ब्रेन के टिश्यू। अगर बात करते हैं कोई चीज एग्जांपल के तौर पे, इधर अगर मैं किसी को थ्रो करता हूं तो ये चीज देखने के बाद वो क्या करता है, आंखें बंद करता है या खुद साइड से होता है, खुद साइड से होता है ना, आंखें बंद कर लेता है, नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा इसलिए मुझे लगेगा नहीं। अगर आंखें भी बंद करता है तो आंखें बंद करने में कौन इन्वॉल्व होता है, मसल। तो वो मैसेज, अब मसल मूवमेंट का या मसल कॉन्ट्रेक्शन का काम कौन से पार्ट का होता है ब्रेन का, सेरिब्रम का। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन ज्यादा से ज्यादा मौजूद होते हैं, किस तरफ, नेजल एपिथेलियम की तरफ या आईज की तरफ, रिस्पॉन्सिबल आपके पास यहां पर आपके पास बहुत कम होता है कि कोई ना कोई आपके पास मोटर न्यूरॉन भी मौजूद हो। हम आगे बात करेंगे जो टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपके पास क्या कर रहा है, प्रोसेस के लिए क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हेडिंग लगाएं, मैकेनिज्म ऑफ स्मेल डिटेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ स्मेल डिटेक्शन,
व्हेन पहला पॉइंट लिखा है व्हेन एंड ऑर्डर, व्हेन एंड ऑर्डर ओ डी ओ आर ओ यू एस, व्हेन एंड ऑर्डर बच्चे पॉइंट लिख लो पहले इसको बना देना, व्हेन एंड ऑर्डर रिसेप्टर एंटर द नेजल कैविटी, एंटर द नेजल कैविटी ऑर्डर सब्सटेंस एंटर द नेजल कैविटी इट डिफ्यूज इनटू द ऑल्फैक्टरी रीजन, व्हेन एंड ऐसे लिख लो बच्चे व्हेन एंड स्मेल मॉलिक्यूल, ऐसे लिख लो अगर नहीं लिखा जा रहा, स्मेल मॉलिक्यूल एंटर इनटू द नेजल कैविटी इट डिफ्यूज इनटू द ऑल्फैक्टरी रीजन, व्हेन एंड ऑर्डर सब्सटेंसेस एंटर द नेजल कैविटी इट डिफ्यूज इनटू द ऑल्फैक्टरी रीजन, सेकेंड पॉइंट होगा दीज स्मेल मॉलिक्यूल्स, these smell molecules bind to specific receptor molecules on the specific receptor molecules on the plasma membrane of olfactory cilia, ठीक है, आपके पास ये मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड करेंगे, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जो कहां पे मौजूद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी ऑल्फैक्टरी सीलिया, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास दीज मे बी रिसेप्टर लिख लो ब्रैकेट में लिख लेना, दीज मे बी रिसेप्टर, दीज से मुराद यहां पे रिसेप्टर से, अराउंड 1,000 different types of receptor protein embedded in the 1,000 different types of receptor protein embedded in the in these cilia, यानी आपके पास अगर आपसे पूछा है number of receptor smell receptor are 1,000 type, ठीक है, अच्छा जी, next हमारे पास point होगा each of these receptor protein has unique specialization for binding to heading क्या दिलवाई थी, heading दिलवाई थी mechanism of smell detection, specialization for binding to the particle, sorry binding to the particular, binding to a particular type of smell molecule, smell molecule. When a receptor protein binds to its specific molecule, it triggers the
bind to its specific molecule, it triggers the olfactory neuron. It triggers the olfactory neuron to send a signal. To send a signal to the brain. Which interpret interprets to the brain, which interprets the message as a interpret the message as a particular smell. As a particular smell. यानी सिंपल वे में एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास यहाँ से कोई स्मेल मॉलिक्यूल अंदर गया, वो यहाँ पर मौजूद लगे सीलिया के साथ, सीलिया प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, वो मॉलिक्यूल ट्रिगर करेंगे किसको यहाँ पर, क्योंकि आपके पास ये जो न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, इस सीलिया के टार्सल पर, यानी इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपके पास कहाँ है, इस सीलिया के टार्सल पर, टार्सल ऑफ द सीलिया यानी यहाँ पर मौजूद है, ये इसके अंदर आ रहे हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, वो इसको यहाँ से रिसीव करने के बाद कहाँ भेज देंगे, टुवर्ड्स द ब्रेन, जहाँ पे वो क्या होगा, प्रोसेस होगा और उसके पर्टिकुलर वे में, अब एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बिरयानी की देख खोल दो यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, ब्रेन के पास जब वो स्मेल मॉलिक्यूल यानी जब डिटेक्ट किए जाएंगे तो वो सिग्नल देगा किसको, स्टमक को, स्टमक को वैसे सिग्नल देने के बाद क्या होगा, आपको भूख लगेगी ऐसी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई मैं नहीं ला रहा, अगर हम किसी जगह से जा रहे हो और वहां पे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ हो तो क्या होगा, वहीं खड़े रहोगे, सूंघोगे या वहां से दूर जाने की कोशिश करोगे और नाक बंद करोगे, ऐसी मसल मूवमेंट होगी, यानी वहां पे जाके खड़े हो गए, नहीं अब बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट जो है, यानी वो जो पर्टिकुलर इंटरप्शन है, इंटरप्रिटेशन है, वो आपके पास डिपेंड करेगी किसके ऊपर, के मॉलिक्यूल ऑफ ओरल कौन सा है, कैसा है, उसके बेस पर, ठीक है, अक्सर आप कुछ परफ्यूम्स होती है जिसे लगाने से आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उसकी वजह क्या होती है, वो स्मेल उस परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल होती है या ऐसे केमिकल ऐड किए जाते हैं जो आपके ब्रेन के लिए रिलैक्सेशन हो के काम आए, इसलिए जब परफ्यूम या फिर कोई स्मेल डिटेक्ट की जाती है तो आपको क्या होता है, आपको सुकून मिलता है, जैसे इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद मार्कर, मार्कर के अंदर जो इंक है इसकी स्मेल से भी नशा किया जाता है, कमट बॉन्ड, पेट्रोल, इनर, मेल पॉलिश, ये सारे क्या है, इसकी स्मेल से नशा किया जाता है, ठीक है, ब्रेन, ब्रेन यानी आपके पास क्या होगा, आप उसको स्मेल करते हैं, ठीक है, स्मेल करने के बाद वो न्यूरॉन को एक्टिवेट करती है, न्यूरॉन के ब्रेन, अब न्यूरॉन ब्रेन में जाते हैं, यानी मैसेज लेके ब्रेन तक जब जाएंगे तो वो ब्रेन के पर्टिकुलर रीजन को क्या कर देगा, स्टिमुलेट, जिसकी वजह से आपके पास एसिटाइलकोलाइन और डोपामिन का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, हाय, और आपको ऐसा लगेगा सब कुछ सेट हो गया, ठीक है, ये चीज है और कुछ भी नहीं, क्लियर, ये आपका क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गए कंप्लीट, नेक्स्ट आपके पास क्या है, गैस्टोरी रिसेप्टर, जिसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, गैस्ट्रेशन भी है, सेवन
is sensed by specialized receptors. Next point होगा, these receptors cells are. Next point होगा, these receptor cells are taste known as gustation. Is sensed by specialized receptors. उसके बाद next point होगा, these receptor cells are actually modify epithelial cell. Second point here, these receptor cells are actually modify epithelial cell present on the tongue. And divide into organized into structures known as taste buds. Human tank के ऊपर कितने taste buds होते हैं? किसी को पता है? 10,000 taste buds मौजूद हैं। तो आप लिखने next point लिखें। Human tongue is home of approximately 10,000 taste buds. Smell receptor कितने हैं? 1,000. Taste buds कितने हैं? 10,000. 10 times higher है. ठीक है, the human tongue is home to approximately 10,000 taste buds. Next point होगा, most of taste buds are located on the surface of tongue or associated with the base of tongue and associated with small small nipple-like projections. Projection known as papilla on the tongue surface. Nipple-like projection known as papillae on the tongue surface. इसे receptor अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें आपके पास दिखे किसी तरह की perceptions होती हैं. What is perceptions? Perceptions क्या होती हैं? Internal stimuli है कि हम क्या कहते हैं? आप जब देखो, basically आपने कोई चीज खाई है, खाने के बाद जो टेस्ट और स्मेल है वो आप इंटरनल है,
एक्सटर्नल नहीं है, आपका खाना एक्सटर्नल है लेकिन जो आपको टेस्ट आ रहा है वो इंटरनल बॉडी के थ्रू आ रहा है, एक्सटर्नल के थ्रू नहीं आ रहा। आप उसको देख के बता नहीं सकते इसका टेस्ट कैसा होगा जब तक आपकी जबान पे नहीं रखा जाएगा। जैसी जबान पे रखोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल उसमें, तो आपके पास जो इंटरनल परसेप्शन है टेस्ट की वो कितनी होती है, पांच। कौन कौन सी? स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर, अवामी। आज अभी नहीं आई है मार्केट में, ठीक है? लास्ट बुक में हमारे पास नहीं थी, ठीक है? नहीं थी ना। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग लगाए आपके पास, आप अपने पास लगाए फाइव बेसिक टेस्ट प्रिसेप्शन। नंबर वन स्वीट, एक एक दो दो लाइनें छोड़ते जाइएगा, तो एक लाइन छोड़ दीजिए। नंबर थर्ड सॉल्टी, नंबर फोर बिटर, और नंबर फाइव उमामी। उमामी जो भी पढ़ रहे हैं इसको आप, ये जापानीज वर्ड है बेसिकली, जिसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ टेस्ट, ठीक है? ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है वैरायटी ऑफ टेस्ट। अब स्वीट आपके पास क्या होगा, एसोसिएटेड विथ टुगरी, एंड प्लेसेंट। आप लोग कब आओगे? बच्चे आ जाए, अब मैं हटूंगा तो आएगा ना, या मैं यहाँ पे खड़ा रहूं और आपको नजर आए, ट्रांसपेरेंट तो मैं हो नहीं सकता, लाइट मेरे अंदर से पास हो नहीं सकती कि मैं गुरु गायब हो जाऊंगा। फ्लेवर्स, थोड़ा थोड़ा आ गया, टेस्ट का नंबर बढ़ गया। तो और की अगर हम बात करते हैं लिंक्ड टू एसिटिक, ठीक है, एसिटिक एंड ट्रैक टेस्ट। एसिडिक मतलब तेजाबी और खट्टा, ठीक है? आपके पास कोई भी चीज ऐसी है तुश, जिसे हम कहते हैं तुश, उर्दू में कहते हैं तुश, खट्टे को कहते हैं तुश। अच्छा अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज अगर खट्टी है और इसका मतलब है उसके अंदर एसिड, उसकी जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है? तो आपके पास जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेमन है, आजकल आपके पास हो गया है ऑरेंज आ रहा है आजकल, दे हैव अ एसिड, एसिड, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जितने भी आपके पास सिट्रिक एसिड, उसमें बेसिकली जितने भी आपके पास खट्टे, जिसमें आपके पास खटास मौजूद है, जितने भी फ्रूट है, जितने भी वेजिटेबल्स है। अच्छा लेमन इज अ वेजिटेबल और अ फ्रूट, हाँ लेमन इज अ वेजिटेबल और अ फ्रूट, दैट इज अ फ्रूट नॉट अ वेजिटेबल, ठीक है? ठीक है, ये आपके पास ऑरेंज फैमिली के अंदर चलता है, ऑरेंज फैमिली है आपके पास लेमन भी, लेकिन इसको यूटिलाइज हम एज अ वेजिटेबल करते हैं। इसी तरह टमाटो फ्रूट है, यूज हम वेजिटेबल के तौर पे करते हैं, ठीक है? टमाटर, ठीक है? अच्छा जी सॉल्टी लिंक करता है किसके साथ, लिख लें आप क्या, टी ट्रेड रखा, रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू सॉल्ट
नमकीन कोई चीज अगर फील हो रही है आपको तो उसकी वजह सॉल्टी परसेप्शन होगा। बिटर डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट प्रीसेप्शंस रिलेट relates to the taste of bitter and unpleasant taste, bitter and अनप्लेसेंट यही ना गवा बजाना है खट्टा खड़वा। यानी एग्जांपल के तौर पे करेला खा लो बगैर पास ऐसा लगेगा खा लो ये कच्चा करेला है करेले का जूस पी लो ये कह रहा है क्या हुआ उसको ऐसी आवाज आवाज नहीं आती वैसे सारी आवाजें आ रही होती है उसको मैं कह रहा हूँ कच्चा करेले का जूस पिलाऊं आप पियोगे क्यों पियूंगा तो उसकी वजह क्या है ना पीने की कि वो कड़वा है अजीब सा टेस्ट है अनप्लेसेंट है तो ये आपके पास बट अगर हम बात करें बिटर टेस्ट आएगा आपके पास ठीक है इस वजह से आप नहीं पियोगे। लास्ट है उमामी उमेमा का निक नेम उमामी ठीक है अभी कोई है तो नहीं ना यहाँ पे क्लास में उमेमा नाम का कोई है तो नहीं ना अभी ऑनलाइन में तो कोई नहीं है ना पता चले सर बाद में कंप्लेन आ जाए सर साहब कह रहे थे कि उमेमा का निक नेम उमामी ठीक है तो यहाँ पर लिखने दिस परसेप्शन रिलेट टू दिस परसेप्शन रिलेट टू द टेस्ट ऑफ umami which is a savory and heartily taste savory and heartily taste तो दिल को चाट हो जाए जिसकी वो वाला यानी एक बार खाओगे तो बार बार आओगे वाली हार्डली टेस्ट ओफन हार्डली टेस्ट ओफन फाउंड इन फूड रिच फाउंड इन फूड विच फूड रिच एंड ग्लूटामाइन एंड अदर अमाइनो एसिड एंड अदर अमाइनो एसिड एग्जाम्पल इंक्लूड मीट चीज बटर ठीक है मीट चीज बटर एग्जाम्पल इंक्लूड मीट चीज और बटर ये आपके पास क्या है किसकी उन्हें नहीं सिंपली वे में आजकल लेस या फिर कोई भी आप अगर लेस बॉयकॉट चल रहे हैं आप लोगों का ठीक है तो आप कौन अगर हम बात कर रहे हैं कौन से खा रहे हो आजकल कौन से चल रहे हैं
बार होता है चिकन, वो चिकन फ्लेवर नहीं होता उसमें, ओरिजिनल चिकन थोड़ी डाली होती है उसमें, ग्लूटामाइन डाले होते हैं। ठीक है, ग्लूटामाइन आपके बॉडी के अंदर जब भी जाते हैं तो वो सेंसेशन ऑफ, हम कह सकते हैं हम जो फूड सेंसेशन होती है, हमें क्रेविंग हो रही होती है, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हम एक के बाद एक, एक के बाद एक खाते जाते हैं कंटिन्यूसली, हाथ नहीं रुक रहा होता। यानी अगर आपने अपने खाने के अंदर, लड़कियों के लिए एक प्रो टिप है, अगर आपने, आप चाह रहे हैं कि आपका खाना बेशक जैसा भी बनाए लेकिन हर कोई खाता जाए तो उसके अंदर एक एसेंस आता है ग्लूटामाइड, ग्लूटामाइड का, वो डाल देना, बेशक खाना खराब क्यों ना हो लोग खा लेंगे, उनको उनका दिल कर रहा होगा बस उसको खाते हैं। ठीक है, टेस्ट बेशक जैसा भी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, यानी वो एक, वो कहते हैं ना अक्सर स्लैंड, अपना फ्रायो या स्लैंटी पापड़ बच्चे जब खाते हैं तो एक के बाद एक खा रहे होते हैं, या हम स्लैंटी जब खाते हैं तो हम भी एक के बाद, यानी एक पैकेट खत्म हो जाए दिल कर रहा होता है एक बार खा ले, तो उसकी वजह क्या होता है, ग्लूटामाइड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी खाना बनाओ प्रो टिप, घर में दावत है कोई आ रहा है स्पेशल, डाल दो। क्या हो गया, चाय में डाल देंगे, देर पिलाओगे क्या, करोगे क्या, कुछ नहीं है। अच्छा, स्पाइस किस में आएगा, स्पाइस किस में आएगा बताओ, recording stopped। इसको अपलोडिंग में लगा लें।